हे गाइस, दिस इज़ निर्मल। तो आज हम लोग एक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मिडवाइफरी का होगा। दैट इज़ अ इंट्रोडक्शन क्लास। तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे कि व्हाट द मीनिंग ऑफ मिडवाइफरी और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, जो इसके अंदर बेसिकली यूज़ होती हैं वो दो टर्म्स हैं, यूज होती हैं इसके अंदर। फर्स्ट वन इज गायनेकोलॉजी। एंड सेकंड वन इज ऑब्स्ट्रक्ट। तो व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्ट्रक्ट, क्या मतलब है इन दोनों का, क्या इनकी डेफिनेशन है? तो फर्स्ट वन देखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ऑफ गायनेकोलॉजी, फर्स्ट वन इज द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गायनेकोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो अगर डेफिनेशन देखा जाए, परिभाषा देखा जाए, तो मतलब क्या निकलता है? तो गायनेकोलॉजी का सीधा सीधा मतलब है द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स। यानी कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और उससे संबंधित डिसऑर्डर्स हैं, उसका स्टडी हम गायनेकोलॉजी के अंदर करते हैं। बट द बेसिक डिफरेंस इन विच, अगर इसका डेफिनेशन देखते हैं हम ऑब्स्ट्रक्ट का, तो इसके अंदर क्या होता है, द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड। तो ये कहा जा सकता है कि अगर डेफिनेशन देखा जाए तो इसके अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एट द बर्थ से लेकर के और टिल डेथ, ठीक, यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में अगर स्टडी की जाती है तो उसको हम गायनेकोलॉजी के अंदर रखते हैं। वहीं पर अगर इफ़ द फीमेल इज़ प्रेग्नेंट, तो उस समय पे अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी की जा रही है और उससे संबंधित रिलेटेड डिसऑर्डर्स का स्टडी किया जा रहा है, तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्ट के अंदर रखते हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है इसमें 15 ईयर्स टू 45 ईयर ऑफ एज, यानी कि इसके अंदर हम 15 से लेकर के 45 साल तक की जो फीमेल है, महिला है, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम स्टडी कर सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द गायनेकोलॉजी और ऑब्स्ट्रक्ट। इन दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इसमें कभी भी कर सकते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, और इसके अंदर हमको प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर स्टडी की जा रही है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स की। तो दैट इज़ अ टू डेफिनेशंस, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्ट्रक्ट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी के अंदर आप लोगों को डिफरेंस का पता चल गया। इसके बाद आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इनके बारे में देखते हैं। इनका जो बेसिक यूनिट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो बेसिक यूनिट है फीमेल के अंदर ओवरी और मेल के अंदर टेस्टिस, टेस्टिकल्स या टेस्टिस को देखा जाता है, रखा जाता है। इसके साथ ही इसके अंदर एक हार्मोन देखने को मिलता है दोनों के अंदर, ओवरी से एस्ट्रोजन और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन सीक्रेट होता है या फिर हार्मोन सीक्रेट होता है, एक्सक्रिएट होता है। इससे क्या होता है, ये हेल्प करता है विच थिंग, जो ये टेस्टोस्टेरोन है और ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये किसमें हेल्प करता है, ये हेल्प करता है ओवरी के अंदर से ओवम के ओव्यूलेशन के अंदर, किसके ओवम के, और ये किसमें हेल्प करता है, टेस्टिस से स्पर्म, स्पर्म्स। बेसिक अगर देखा जाए तो जो ओवम है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है ओवरी, उससे एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन हेल्प करता है ओव्यूलेशन के अंदर, जो कि ओवम का ओव्यूलेशन कराता है। ओवम का जो बेसिक थिंग्स हैं, अगर इसका साइज देखा जाए तो 130 माइक्रोन होता है। कितना होता है, 130 माइक्रोन। ये क्या है, दैट इज अ लार्जेस्ट सेल, ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दैट इज अ लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसको आप लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कह सकते हैं। अगर ये लार्जेस्ट सेल है तो स्मॉलेस्ट सेल क्या है, तो फीमेल के अंदर स्मॉलेस्ट सेल है इस प्लेटीलेट। इसका साइज होता है 2-3 माइक्रोन, ठीक है। तो दैट इज द स्मॉलेस्ट सेल इन अ फीमेल, किसके अंदर, मेल के अंदर। इन मेल, ठीक है, कितना है इसका, 50 माइक्रोन। अगर ये स्मॉलेस्ट सेल है तो विच वन लार्जेस्ट सेल इन, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर तो लार्जेस्ट सेल हो जाएगा आपका ओवम, बट मेल के अंदर लार्जेस्ट सेल है न्यूरॉन। इसका एटलीस्ट कितना होता है, 100 माइक्रोन साइज, लगभग 100 माइक्रोन के आसपास होता है। तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। जो ओवरी है ये क्या करती है, टेस्टिस हैं, ये क्या करते हैं, टेस्टिस से और ओवरी से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो एक एक करके देख सकते हैं हम कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है दैट इज़ अ ओवरी और मेल का है टेस्टिस। ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है, दे कैन हेल्प इन ओव्यूलेशन ऑफ ओवम। एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है जो ओवम के ओव्यूलेशन में हेल्प कर रहा है। ओवम का साइज कितना है, 130 माइक्रोन। ये क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी या ह्यूमन बॉडी आप कह सकते हैं। और फीमेल के अंदर स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, प्लेटीलेट्स। इसी तरीके से टेस्टिस क्या करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जो कि किसमें हेल्प करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म्स के बनने में। ये स्पर्म्स का साइज क्या होता है, 15 माइक्रोन। ये क्या होते हैं, मेल बॉडी के लार्जेस्ट सेल होते हैं, और सॉरी
मेल बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल है, और मेल बॉडी का अगर लार्जेस्ट सेल देखा जाए तो वो क्या है, न्यूरॉन। इसका साइज क्या होता है, एट लीस्ट 100 माइक्रोन। तो दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ अगर लाइफ स्पान देखा जाए तो ओवम और स्पर्म, अगर इनका लाइफ स्पान देखा जाए कितना होता है, तो ओवम का लाइफ स्पान देखने को मिलेगा आपका 12 to 24 hours, 12 से लेकर के 24 घंटे ही ओवम फीमेल यूट्रस के अंदर क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। और वहीं पर स्पर्म्स का कितना होता है, द स्पर्म्स लाइफ स्पान इज़ अ 48 to 72 hours, 48 से लेकर के 72 घंटे। ये क्या कर सकते हैं, फीमेल यूट्रस के अंदर 48 से लेकर के 72 घंटे तक क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। वहीं पर एक ओवम को बनने में लगता है 6 to 8 days का टाइम, और एक स्पर्म को बनने में 61 days का टाइम लगता है। यानी स्पर्म्स फॉर्मेशन के अंदर 61 days लगते हैं, वहाँ पर ओवम और स्पर्म्स क्या करते हैं, मिलकर के फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को पूरा करते हैं। ओवम और स्पर्म्स क्या करते हैं, मिलकर के फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को पूरा करते हैं, और ये फर्टिलाइजेशन के बाद में किसका निर्माण होता है, जायगोट। जायगोट का निर्माण होता है, जो कि क्या है, एक 2N सेल है। ये क्या है, 2N सेल है, इसको हम डिप्लॉइड सेल के नाम से भी जानते हैं। जबकि ओवम और स्पर्म्स क्या है, सिंगल N सेल है, यानी कि दिस वन इज सिंगल N एंड दिस वन इज सिंगल N, जिसको कि हैप्लॉइड सेल के नाम से जाना जाता है। हैप्लॉइड सेल, तो ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, 2N सेल का निर्माण करते हैं। ये 2N सेल जिसे जायगोट के नाम से जाना जाता है, दैट इज ये जो प्रोसेस है। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ जर्म सेल्स। डेवलपमेंट ऑफ जर्म सेल्स, तो फीमेल और मेल के अंदर, दोनों के अंदर एक डिफरेंट प्रोसेस है। फीमेल के अंदर जो प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिससे जर्म सेल का निर्माण होता है, उसको हम ऊजेनोसिस के नाम से जानते हैं। और मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है।
स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से इसे जाना जाता है। तो प्राइमरी जो ओव्यूलेशन हो रहा है ओवरी के अंदर, उसमें ओवम का निर्माण किस तरीके से होता है, उस प्रोसेस को ओजेनेसिस के जरिए हम देखने की कोशिश करेंगे, यानी ओवम किस तरीके से बन रहा है। तो फीमेल के अंदर, ओवरी के अंदर एक जो जर्म सेल होता है, इस जर्म को हम जो प्राइमरी जर्म सेल है इसको हम प्राइमरी ओसाइट के नाम से जानते हैं। देखिए डेवलपमेंट ऑफ जर्म सेल्स मेल और फीमेल दोनों के अंदर देखेंगे, फीमेल के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट होता है और मेल के अंदर किस तरीके से होता है, उन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फीमेल के अंदर जो डेवलपमेंट होता है जर्म सेल्स का, उसे हम ओजेनोसिस के नाम से जानते हैं, और मेल के अंदर जो डेवलपमेंट होता है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। तो ओवम का ओव्यूलेशन किस तरीके से हो रहा है ओवरी में, उस सारे प्रोसेस को हम ओजेनोसिस के अंदर रखते हैं, और ये किस तरीके से होता है। तो ओवरी के अंदर जो प्राइमरी जर्म सेल है, इसे प्राइमरी ओसाइट के नाम से जाना जाता है। ये क्या होती है, एक 2N सेल होती है। ये क्या है, एक 2N सेल है। और ये आगे चल करके मैच्योर होती है। दिस वन इज ऑल्सो प्राइमरी ओसाइट, बट दैट इज अ मैच्योरेशन या मैच्योर सेल कह सकते हैं आप इसे। ये आगे चल के किस में डिवाइड हो जाती है, इट ऑल्सो 2N सेल, ये भी 2N सेल है, और ये आगे चल के सेकेंडरी ओसाइट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। आगे चल के ये डिवाइड हो जाती है दो सेल के अंदर, इसका डिवीजन हो जाता है। ये है आपका, ये एक एन सेल है और ये भी एक एन सेल है, इसे सेकेंडरी ओसाइट के नाम से जाना जाता है। और ये है फर्स्ट पोलर बॉडी, ये भी सेल डिवीजन के जरिए एक ओवम का निर्माण करती है। ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये आगे चल के डिवाइड होता है और ये किसका निर्माण करती है, ओवम का, और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनता है। इसी तरीके से इट आल्सो सेकेंडरी पोलर बॉडी, तो दीज आर ऑल थ्री सेकेंडरी पोलर बॉडीज, यानी तीन सेकेंडरी पोलर बॉडी मिलते हैं हमको और एक मिलता है ओवम, दैट इज अ हैप्लॉइड सेल। That is a haploid cell. This one is a ovum, जो कि आगे चल के फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या करता है, रोल प्ले करता है। इसी तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस को हम देखते हैं। स्पर्म सेल ये टेस्टिस के अंदर क्या होता है, जर्म सेल्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। ये है आपका एक जर्म सेल जो कि टेस्टिकल्स के अंदर है और ये डेवलप होना स्टार्ट होता है।
अरे वाह, धन्यवाद। डेवलपमेंट ऑफ जर्म सेल्स फीमेल के अंदर किस तरीके से होता है और मेल के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट होता है जर्म सेल्स का। तो फीमेल के अंदर जो डेवलपमेंट होता है उसे हम ऊजेनेसिस के नाम से जानते हैं। मेल के अंदर जो डेवलपमेंट होता है जर्म सेल्स का उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ये किसके अंदर हो रहा है? ये ओवरी के अंदर हो रहा है। और ये किसके अंदर हो रहा है? दैट इज इन द टेस्टिकल्स, टेस्टिकल्स के अंदर ये, या टेस्टिस के अंदर ये हो रहा है। ठीक है, तो ओवरी के अंदर क्या होता है? जो एक जर्म सेल है, दिस वन इज़ अ प्राइमरी जर्म सेल, ये आगे चल के ओवम में किस तरीके से कन्वर्ट होती है? तो जो प्राइमरी सेल होती है ये 2N सेल होती है, और ये आगे चल के प्राइमरी ऊसाइट, मैच्योर यूसाइट के अंदर क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है, और ये भी ऑल्सो 2N सेल ही है। और आगे चल के इसके अंदर डिवीज़न होता है, जो कि N सेल और N सेल, दो N सेल्स के अंदर ये डिवाइड हो जाती हैं, जो कि हैप्लॉइड सेल्स हैं, और इनको हम सेकेंडरी ऊसाइट के नाम से जानते हैं। इन दोनों को सेकेंडरी ऊसाइट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सेकेंडरी ऊसाइट्स हैं, दीज आर द N या सिंगल N सेल्स, और ये सिंगल N सेल्स आगे डिवीज़न के जरिए एक ओवम का निर्माण करती है। या आप कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी ऊसाइट है उसकी एक सेल क्या करती है? डिवाइड होकर के ओवम का निर्माण करती है, और दूसरी तरफ एक पोलर बॉडी बनाती है, जिसे सेकेंडरी पोलर बॉडी के नाम से जाना जाता है। और ये भी सेल डिवाइड होकर के आगे चल के सेकेंडरी पोलर बॉडी, दो पोलर बॉडी निर्माण करती है। तो दीज आर द थ्री पोलर बॉडीज, और एक ओवम हमको प्राप्त हो जाता है, जो आगे चल के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। इसी तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है? एक जर्म सेल जो कि टेस्टिस के अंदर है, ये आगे मैच्योर हो जाती है और प्राइमरी ऊसाइट्स के नाम से जानी जाती है। ये आगे चल के डिवाइड हो जाती है सेकेंडरी ऊसाइट्स, यानी दो सेल्स के अंदर ये डिवाइड हो जाती है। यहाँ तक ये सेल क्या है? 2N सेल है, 2N सेल है। ये आगे चल के दो सेकेंडरी ऊसाइट्स में डिवाइड हो जाती है, दीज आर द N सेल या सिंगल N सेल, और ये ऑल्सो डिवीज़न के जरिए चार सेल्स में डिवाइड हो जाती है, दीज ऑल्सो आर N सेल्स। यानी कि हमको सेल डिवीज़न के जरिए एट द एंड ऑफ लास्ट में हमको चार स्पर्म मिलते हैं, किससे? एक सिंगल N सेल से, मेल के अंदर। वहीं पे हमको क्या होता है? एक फीमेल जर्म सेल से हमको केवल सिंगल एक ओवम मिल पाता है। तो दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जो जर्म सेल का डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हो रहा है। तो आज के लिए इंट्रोडक्शन में इतना ही काफ़ी है। बाकी के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।